मेरा नाम है महनू लाल चेउम्यू। मुझे पता है ये नाम आपने कभी सुना नहीं होगा, मैंने भी नहीं सुना। तो आज मैं आप लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ। मैं बचपन में ही पैदा हो गया था और बदकिस्मती से मैं बहुत पतला पैदा हुआ था। और जैसे ही मेरे बापे ने मेरे को देखा, उनको उल्टियाँ आने लग गई। नहीं, उनका पेट खराब नहीं था, वो उन्होंने मेरी शक्ल देख ली ना। और बचपन से ही मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ स्टार्ट हो गई। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे हाथ पैर मुंह सब छोटे थे, क्योंकि मैं नॉर्मल बच्चा था ही नहीं। जहाँ नॉर्मल बच्चे 9 महीने में पैदा हो जाते हैं, मैं 7 महीने में ही हो गया। और मैं इतना छोटा था कि मेरे घर वाले भी मेरे को गोदी लेने से मना कर देते थे। और उसी दिन से मैंने ठान लिया कि मुझे मोटा होना है। और रोज रात को मैं 3 बजे उठ जाता और मूत के दोबारा सो जाता। और मेरे बापे मेरे को रोज सुबह 5 बजे उठाने की कोशिश करते, लेकिन सॉरी पापा, मैं नहीं उठ पाता। और ऐसे ही करते करते मेरे पापे को एक दिन गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने घर के बाहर मेरे को खड़ा कर दिया। और उस दिन बहुत तेज तूफान भी आ रहा था, तभी भी मैं गेट के सामने खड़ा नहीं रहा, क्योंकि मैं पतला था तो मैं उड़ गया। और फिर मैं एक जगह पे जाके रुक जाता हूँ, जो कि मुझे भी नहीं पता कौन सी जगह थी। उधर एक आंटी ने मेरे को गोद ले लिया। बदकिस्मती से उनके भी 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने मेरे को एक ड्यूटी दे दी अपने बच्चों की टट्टी साफ करवाने की। और पता नहीं क्यों वो काम मैं बिल्कुल लगन से करने लग गया। ऐसे करते करते उनके बच्चे बड़े हो गए और अभी भी वो मेरे से अपनी छोड़ो। तो मैं इस जॉब से बिल्कुल तंग आ गया था, तो मैं घर से भाग गया। और फिर मैं बेवड़ों की तरह इधर उधर फिरने लग गया। और पता नहीं बस्ती के लोग मुझे पागल पागल कहने लग गए, इसलिए जो लोग मेरे को पागल बोलते मैं उनके पीछे दौड़ते रहता। और मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। और एक दिन गुस्से में मैंने 3-4 लोगों का सर फाड़ दिया। और उसी दिन से उस बस्ती के लोग मेरे को देख के छुप जाते हैं। खौफ है तुम्हारे भाई का, शायद उन्हें पता लग गया कि मैं पागल नहीं हूँ। तो अब मैंने सोच लिया था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। इसके लिए मैं दिन रात चाय बनाते रहा। और फिर बाद में मेरे को पता चला, अगर तुम्हें चाय का ठेला अच्छे से चलाना है तो तुम्हें मोटिवेशनल वीडियो डालनी पड़ेगी। इसलिए मैंने सोचा चलो छोड़ो यार, दूसरा काम देखते हैं। फिर मैं 300 रुपए की दिहाड़ी करने लग गया। फिर मैंने शादी भी कर ली, अब मेरे 4 बच्चे भी हैं। अब मुझे वही ड्यूटी करनी पड़ती है जो मैंने स्टार्टिंग में करी थी, टट्टी साफ करने की। फिर तंग आकर मैंने YouTube चैनल खोल लिया। और स्टार्टिंग में मेरे व्यूज भी नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा एक ना एक दिन तो आएंगे ही। और हाँ, मैं खुद के रूल्स बनाता हूँ। एक दिन मेरे घर के सारे लोग बस से ट्रैवल कर रहे थे, फिर उतरते टाइम मेरी बीवी गिर गई। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा अपने उसूलों का पक्का हूँ, तो मैं गिरी हुई चीज उठाता नहीं, तो मैंने उसे उठाया नहीं। फिर अब देखो मेरा बुढ़ापा आने लग गया, तो मैंने अपने 4 बच्चों को 2 टुकटुक दिलवाए और घर का खर्च उन्हीं पैसों से चलता था। और मैं अपने घर पे बस वीडियो आते रहता, क्योंकि मेरे व्यूज अभी भी नहीं आ रहे थे। और एक दिन मेरे कानों में बहुत बुरी खबर आई, मेरे 4 बच्चे दोनों टुकटुक लेके भाग गए। उसके बाद मैंने सोच ही लिया अब मुझे YouTube से ही कुछ करना है, तो देख लो मैं अभी वीडियो ही बना रहा हूँ। और फिर मेरे 9000 सब्सक्राइबर हो गए, तो मुझे लगता है कि मुझे और लोगों के बच्चों की छींची साफ करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो तुम अपनी तरफ से फुल सपोर्ट दिखाओ। और मैंने कमेंट्स पे तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका हाँ या ना में आंसर दे देना प्लीज। एंड यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मौज करो।